तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई बताने जा रहे हैं। सत्र के एक दिन पहले सरकार अपने शीत प्रवास पर पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। दोपहर की अगर बात करें तो 3 बजे के करीब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, साथ ही शाम 7 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में दोनों दलों की विधायकों की बैठक होने वाली है। बीजेपी की विधायक दलों की बैठक होगी, इसी के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। हमारे संवाददाता विकास शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए। विकास, कितनी देर में दोनों विधायक दलों की बैठक शुरू होने वाली और कहां कहां पर बैठक? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो नड्डी में होने वाली है और इसके साथ साथ जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो वहीं डीसी ऑफिस में होनी है। और इसको लेकर रणनीति जो है वो पहले ही, जिस तरह से मैंने पिछले बुलेटिन में जो है आपको बताया था कि रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, और ऐसे में कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर जो है सदन के भीतर जाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी सदन के भीतर हो सकती है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सदन की शुरुआत जो है वो प्रश्नकाल के साथ होने वाली है। 11 बजे जिस तरह से प्रश्नकाल शुरू होगा उस पर काम रोको प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, जिसमें विपक्ष का ये कहना है कि पहले मुद्दों पर चर्चा हो। वो मुद्दे सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने कहा था कि 100% कोरोना वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है, 100% लोगों को जो है वो इसमें कवर किया गया है, ऐसे में 2011 के जो आंकड़े हैं उनको बताया गया है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये आंकड़े जो हैं सिर्फ कागजी हैं और ऐसे में कोई भी पूरी तरह से धरातल पर ये नहीं उतरे हैं, 100% लोगों को जो बताया जा रहा है ये पूरी तरह से नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं हिमाचल प्रदेश में जिनको अभी कोरोना वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगी है, यानी कि पहली डोज भी नहीं लगी है, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा अहम मुद्दा ये हो जाता है, जिस तरह से बीते समय में हमने देखा कि जेसीसी की बैठक हुई और जेसीसी की बैठक में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मांगों को लेकर जो है वो यहाँ पर कोई इसमें चर्चा जो है वो जेसीसी की बैठक में नहीं हुई, जिसमें से मुख्य रूप से पुलिसकर्मियों का ये कहा गया था कि जो उनका अनुबंध है वो 8 साल यहाँ पर रखा गया है, वो बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर ही यहाँ पर अब 2 साल उसको किया जाए, इस तरह की मांग पुलिसकर्मियों की थी। ग्रेड पे को लेकर लगातार मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा था। इस मुद्दे पर भी सदन में गहमा गहमी हो सकती है, विपक्ष इसको भी भुनाने की जरूर कोशिश करेगा। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी प्रश्न विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे उस पर बेबाकी से जवाब जो है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल इसी तरह के मुद्दे जो है वो गर्मा सकते हैं, कानून व्यवस्था जो है, बढ़ती महंगाई जो है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे जो हैं वो इस बार सदन के भीतर देखने के लिए मिलेंगे। वहीं सत्ता पक्ष जो है उनका भी यही कहना है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, जबकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है वो हमलावर इख्तियार रुख जो है वो यहां पर अंदर सदन के भीतर भी करेगा, सदन के बाहर भी करेगा। सत्ता पक्ष जिस तरह से अपनी तय रणनीति के मुताबिक जो है वो सदन के भीतर जाएगा, विपक्ष भी तय रणनीति के मुताबिक जो है वो सदन के भीतर जाएंगे। और कल काम रोको प्रस्ताव जो है वो इस पर जरूर बात जो है वो रणनीति आज यहां पर बन सकती है, क्योंकि विपक्ष की बैठक जो है वो भी 7 बजे होनी है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बैठक जो है, विधायक दल की बैठक जो है वो भी 7 बजे होनी है। अब देखना यही होगा कि क्या 11 बजे प्रश्नकाल जब शुरुआत इसकी होगी तो क्या सबसे पहले, क्योंकि शोकोद्गार के साथ जो है वो सदन की कार्यवाही यहां पर शुरू होनी है, उसके बाद प्रश्नकाल जो है वो यहां पर शुरू होना है। 1 घंटे का ये प्रश्नकाल चलेगा, लेकिन इसी बीच गहमा गहमी जो है वो जरूर सदन के भीतर देखने के लिए मिलेगी। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से हर सवाल का जवाब विपक्ष के सवालों का दिया जाएगा, तो वहीं पर विपक्ष भी रणनीति अब कुछ ही देर में अपनी विधायक दल की बैठक में बनाएगा।